नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में और जो इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर होता है वह है इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का टाइप होता है जो एक प्रोसीजन ग्राइंडिंग मशीन होती है और इस प्रोसेस को क्यों करते हैं इसका मेन कार्य क्या रहता है इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग के द्वारा हम वर्कपीस में अलग अलग टाइप के होल जैसे सिलेंड्रिकल होल हो सकता है टेपर्ड होल हो सकता है उनके इंटरनल सरफेस को ग्राइंड करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है और ये जो होल्स होते हैं ये थ्रू होल भी हो सकते हैं वर्क पीस में थ्रू आउट हो सकते हैं या फिर ब्लाइंड होल हो सकते हैं कि वर्क पीस में कुछ डेप्थ तक ये होल बना हो तो इन होल्स को ग्राइंड करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है अब इसकी वर्किंग की अगर बात करें इंटरनल सेंटरलेस जो ग्राइंडिंग है इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन की तरह ही होता है बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि वर्क पीस को सपोर्ट करने का जो मेथड है वो इसमें अलग होता है एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन के मुकाबले इस प्रोसेस में जो वर्क पीस है उसको तीन रोल्स के बीच में सपोर्ट किया जाता है जैसा अगर आप इस डायग्राम में देखें ये वर्क पीस है तो इसे तीन रोल्स के बीच में स्पोर्ट किया गया है पहला है प्रेशर रोल दूसरा है स्पोर्टिंग रोल और तीसरा है रेगुलेटिंग व्हील अब ये तीनों रोल्स की अगर हम रोटेशनल डायरेक्शन को देखें प्रेशर रोल एंटी क्लोक डायरेक्शन में स्पोर्टिंग रोल भी एंटी क्लोक डायरेक्शन में और रेगुलेटिंग व्हील भी एंटी क्लोक डायरेक्शन में रोटेट करते हैं मतलब कि जिन तीन रोल्स के बीच में वर्क पीस स्पोर्ट करता है वो तीनों रोल सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और उसके बाद जो वर्क पीस और जो ग्राइंडिंग व्हील है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वर्क पीस की जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो अगर आप देखें वो क्लॉकवाइज है ग्राइंडिंग व्हील की रोटेशनल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है उसके बाद जो ग्राइंडिंग व्हील है वो जो रेगुलेटिंग व्हील की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में वो वर्क पीस के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं और जो ग्राइंडिंग व्हील का मेन कार्य क्या होता है ग्राइंडिंग व्हील अब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बना होता है और अब्रेसिव एक्शन के द्वारा ही वो ग्राइंड करता है वर्क पीस के इंटरनल सरफेस को और ग्राइंडिंग व्हील इन्श्योर करता है कि जो वर्क पीस है उसका जो इंटरनल सरफेस है वो इस तरह से ग्राइंड किया जाए कि जो वर्क पीस का जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म रहे पूरे के पूरा जो उसका डायमीटर है वर्कपीस का यूनिफॉर्म थिकनेस वर्कपीस को मिले ये ग्राइंडिंग व्हील एंश्योर करता है इंटरनल सरफेस को ग्राइंड करते समय और इसके अतिरिक्त जो ग्राउंडेड जो इंटरनल होल होता है वह वर्कपीस के एक्सटर्नल सरफेस के साथ कंसेंट्रिसिटी को भी वो एंश्योर करता है जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है मतलब कि जब हम इंटरनल ग्राइंडिंग को कर लेते हैं और हमें वर्क पीस को अनलोड करना है तो इसके लिए जो ये जो प्रेशर रोल है इसका ये जो पाथ ऑफ स्विंगिंग है इस तरफ प्रेशर रोल को उठा लिया जाता है और जो वर्क पीस है उसे अनलोड कर दिया जाता है और जिस वर्क पीस हमें ग्राइंडिंग करनी है उसको फिर से लोड कर देंगे और फिर से प्रेशर रोल को अंदर की तरफ हम स्विंग कर देंगे तो इस प्रकार से वर्क पीस की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है प्रेशर रोल को स्विंग करके और जो ग्राइंडिंग व्हील है अगर हम बात करें ये एक प्रकार से एक व्हील हेड पर ये माउंटेड होता है जिसे हम बाई हैंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो देते हैं और ग्राइंडिंग व्हील को फीड भी प्रोवाइड की जाती है और उसको इन या फिर आउट कर सकते हैं ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का टाइप इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे